अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अपने YouTube के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो थंबनेल बनाने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए, रेजर बैकग्राउंड और पिक्सल लैब। दोनों का वर्क क्या है? मेन जो है वो पिक्सल लैब यूज़ होता है और दूसरा बैकग्राउंड रिमूवर का क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आपको सिखाते हैं YouTube के लिए थंबनेल बनाना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप पिक्सल लैब पे इजीली कैसे अपना थंबनेल बना सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दो एप्लीकेशन, पिक्सल लैब और बैकग्राउंड रिमूवर। अपनी आप कोई भी पिक अगर आप वहाँ पर लगाना चाहते हैं और उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो पहले यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करें, उसके बाद पिक आप लगा दीजिए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सल लैब ओपन करना है। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपने सबसे पहले टेक्स्ट पे आना और इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ये थ्री डॉट पे है उसको पर क्लिक करके इमेज साइज पे आना। इमेज साइज पे आने के बाद आपने थंबनेल रीसेट पे आके अपने थंबनेल यहाँ पे इसका साइज चेंज करना। आप यहाँ पर लेंगे YouTube थंबनेल करने के बाद आपने ओके इसको कर देना। ओके करने के बाद आपने इसमें आ जाना, सिंपल इसमें आना। इसमें आने के बाद आपने यहाँ पर ग्रेडियंट या कलर जो भी देना है आप इजीली दे सकते हैं और अपनी मर्जी का ग्रेडियंट भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसा ग्रेडियंट आप बनाना चाहें और इसके साथ आप कलर रखना चाहते हैं रेड तो ये आपको ऐसा शेड देगा ये चीज़। और यहाँ पे आप इस कलर के साथ आप बस ब्लू लगाना चाहते हैं तो ये आपको रेड और ब्लू का शेड देगा। आपने ओके कर दिया और आपका ये कलर लग गया। इसके बाद आपने आ जाना है शेप पर। शेप पे आ जाके आपने क्लिक करना है। शेप में आपने ये कॉर्नर शेप बनानी है। इसके अलावा भी आप कुछ भी शेप उठा के लगा सकते हैं, ये शेप बना सकते हैं, ये शेप बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ये शेप बनाएंगे कि हमें थंबनेल बनाना है और आपको भी सारा तरीका सिखाना है तो हम यही उठाएंगे। ये यहाँ पे मैंने लगा दी। इसका भी सेम आप स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, रेडियस चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलर दे रहे हैं, इसको ग्रेडियंट देंगे। ग्रेडियंट कौन सा देंगे जी? हम इसको ये वाला ग्रेडियंट देंगे या फिर ये वाला ग्रेडियंट देंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट के अलावा भी अगर आप इसका स्ट्रोक स्ट्रोक लगा सकते हैं, ब्लैक में स्ट्रोक का साइज बढ़ा सकते हैं। मैंने 6 पे कर दिया। तो देखिए ये दोस्तों आपके सामने ये कैसा बनेगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी आपने कॉपीज ले लेनी है जितनी आप लेना चाहते हैं। हमने एक कॉपी ली, एक और लेके यहाँ पर रख दी जो हमारे पास में काम आएगी। इसके बाद आपने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट आपको उर्दू के फॉन्ट से आप ही नहीं मिलेंगे। उर्दू के फॉन्ट्स के लिए आपने सिंपल क्रोम खोल लेना है। क्रोम पे खोल के लिख देना है उर्दू फॉन्ट्स फॉर पिक्सल लैब, तो वो आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसको ओपन करके आपने अपना फॉन्ट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए मैं अपनी वीडियो के लिए थंबनेल बना रहा हूँ। ये हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमें इसका साइज फॉन्ट चेंज करेंगे। सिंपल फॉन्ट स्टाइल पे आपने आके अपने फॉन्ट पे आना है। फॉन्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे माय फॉन्ट्स में जाके यहाँ पे आप ऐड कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपने जाके क्लिक करना है इस पर तो ये आपका बन जाएगा।
इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने कलर जैसे कि आपने ब्लैक लगाना है, आपने ब्लैक लगा दिया, ये आ गया वीडियो पे व्यूज कैसे। ठीक है जी, अब जैसे कि इसी तरह आपने यहाँ पर भी एक दो बातें लिख देनी है, कुछ भी अच्छी सी बातें। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि डोंट शेयर योर यूट्यूब लिंक एट व्हाट्सएप। ठीक है जी, इसमें भी आपके इसके तो आपको फ़ॉन्ट्स से बहुत से मिल जाएंगे। आपने कलर ब्लैक कर लिया, ब्लैक करने के बाद आप आते हैं जी फ़ॉन्ट्स पर। फ़ॉन्ट्स में आने के बाद हम कुछ भी यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने ये उठा लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद नेक्स्ट पे आ जाता है स्टाइल। स्टाइल में आप इसको बोल्ड, ये तो बोल्ड ही होगा, ये है जी एक थंबनेल लग के सामने बन चुका है। हम साइज जो है वो थोड़ी छोटा कर देते हैं, ये थोड़ा सा और अगर छोटा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर लंबा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं ये। इसके बाद दोस्तों आपने अक्सर देखे होंगे लोगों ने लगाए होते हैं, लगाने कैसे हैं ये आपने इसको ओपन इस तरह करना सिंपल। ये मैं आपको एक अलग सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको आपने कॉपी करना है और ऐसा एक दो। ये आपने यहाँ पे आके लिखना है। सबसे पहले मैं इसका भी फोन चेंज करते हैं, और यहाँ पर लगाते हैं, फिर इसका कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ पर हम 1000 सब्सक्राइबर्स ये हमने लिखा, इसका भी जल्दी से हम कलर ब्लैक कर दिया, फोन में जाके ये चेंज कर दिया, ओके कर दिया, और यहाँ पे इसको आके लगा दिया। ये फिर यहाँ पे आप अपने तस्वीर लगा सकते हैं, अपने बोर्ड में आने, बोर्ड में आने के बाद आपने अपना गैलेक्सी खोल लेना है। गैलेक्सी खोलने के बाद आपने सिंपल आ जाना है कैमरे में। कैमरे में आने के बाद ये तो बैक कर दें, सॉरी पिक्चर में आ गए आप, रेजर में आ गए ये। ठीक है, तो ये हमने रेजर किया था, ये पिकअप लगा रहे हैं, ये हमने पिक लगाई यहाँ पर, और पिक को आप रोटेट कर सकते हैं इजीली। ये पोजीशन है और
हम इसका साइज जो है वो करने जा रहे हैं रोटेट। ये हो गया। और ये हमें इसको ये ऊपर लगा रही है, ये रोटेट से हमें फायदा नहीं हुआ, लेकिन चलिए कुछ नहीं। यहाँ पे हमें अपनी फोटो तो लग चुकी है, यहाँ पे हमें फोटो लगानी है। तो ये आपका एक थंबनेल तैयार हो चुका है, बेहतरीन थंबनेल। आप इसको जाएं, सेव करें, सेव इमेज, कस्टम में जाए, अल्ट्रा सेव टू गैलरी। तो ये था सिंपल तरीका थंबनेल बनाने का। तो इसी के साथ आपसे सबसे इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो जो भाई हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फी मान अल्लाह।